Hi everybody visiting the video. I hope everyone is fine and doing well. आज हम इस वीडियो में idioms के बारे में सीखेंगे और कुछ examples देखेंगे. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, एक इमेज दी गई है जिसमें लिखा है माधुरी दीक्षित सन एरिन ग्रेजुएट्स फ्रॉम हाई स्कूल विथ फ्लाइंग कलर्स सी प्राउड फैमिली मूवमेंट. यहाँ पर प्राउड का अर्थ है गर्व, ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है विथ फ्लाइंग कलर्स का अर्थ क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको भी नॉर्मली वर्ड समझकर अलग अलग मीनिंग्स देखते हैं, जैसे कि फ्लाइंग यानी उड़ना और कलर्स यानी रंग. आखिर में उन्हें सेंटेंस ही समझ में नहीं आता. इसकी वजह इसलिए है कि ये एक idiom है. अगर हम इंग्लिश में idioms का सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कम्बाइंस टू गिव डिफरेंट मीनिंग. और अगर हम idioms का ही डेफिनेशन सिंपली समझना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, पर जब वो एक सेंटेंस में मिलकर आते हैं तो उनकी मीनिंग बदल जाती है. और यहाँ पर जो हम सेंटेंस में देखते हैं तो विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब है इंग्लिश में इट एक्सप्रेस हाउ वेल समवन हैज कंप्लीटेड देयर टास्क, और हिंदी में इसका मतलब है पूर्ण सफलता. तो इस इमेज का मतलब ये है कि एक्ट्रेस के लड़के ने अपनी ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है और ये एक गर्व का पल है. नेक्स्ट idiom है बेड ऑफ रोजेस, यानी अगर हम इंग्लिश में देखें तो कंफर्टेबल और लक्जरियस प्लेस और पोजीशन, और हिंदी में इसका मतलब है आरामदायक जगह या स्थान. इस idiom से रिलेटेड एग्जाम्पल है Life is not the bed of roses, यानी इसका मतलब ये है कि life आरामदायक जगह या स्थान नहीं है. और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप अपडेटिवली इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिसीव कर सकें. थैंक यू.